Anu, look at here. Hello. अरे अभी शाम को आपको ठंड नहीं लग रही है? आपको घर पे रहना चाहिए था, पापा के साथ रहना चाहिए ना। देख बहुत दूर है उप हवा। हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम बैक टू पिंक्स ब्लॉग एंड लाइफस्टाइल चैनल। और अभी जो आपने क्लिप देखा वो कल इवनिंग का है, हम जब इवनिंग वॉक पे गए थे। और ये आज मॉर्निंग का क्लिप है। यहाँ मैं अपनी बेटी आर्या को तैयार कर रही हूँ स्कूल के लिए, और मंडे ट्यूसडे उसका टाइकोंडो ड्रेस होता है, टाइकोंडो भी क्लास करवाया जाता है, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म के ऊपर हम इनको टाइकोंडो पहना देते हैं। एक बार टाइकोंडो करके दिखाओ। अब देखो बेल्ट भी कहाँ गायब हो गया। मैम को आप क्यों नहीं बोलते हो कि मैम बेल्ट दे दो, मेरा बेल्ट गायब हो गया। आप ये कल रात को निकाल के लगाए थे ना? कैसे पता? अरे आप जब खोलते हो उसी से पता चल जाता है, जब बंद करते हो तो पता चल जाता है कि कल आपका बदमाशी हुआ है। आपको कैसे पता? आँख तो भर गया पूरा। इधर से देखो। हाँ इधर देखो, दिख रहा है क्लियर? आंखों में काजल लगी है। हाँ दिख रहा है। बहुत सुंदर लग रहे हैं। खड़ी हो जाओ। बाय बेटा। तो आर्या को उसकी नानी लेके गई वैन में बैठाने के लिए, वही यहाँ पे लेके जाती हैं डेली सुबह, और उसको पिक भी वही करती हैं। तो उसको वैन में लेके चली गई बैठाने के लिए। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, मुझे बनाने थे सब्जी आलू मटर गोभी के। तो गोभी और मटर को खौलते पानी में मैंने रख दिया है बॉयल होने के लिए थोड़ी देर। मुझे इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना था इसलिए मैंने इसको खौलते पानी में रख दिया है। और दूसरे साइड मैंने यहाँ पर कढ़ाई में तेल डाल दिया, और उसमें जीरा और तेज पत्ता का तड़का लगाया था मैंने। और ये है मेरे मसाले जिनको मैंने पाउडर नहीं लिया है। वैसे तो मेरे पास पाउडर भी हैं, लेकिन क्या होता है कि जो साबुत मसाले होते हैं उनको पीस के आप सब्जी बनाओ तो उसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट होता है, जो पाउडर से तो काफ़ी डिफरेंट होता है। तो इसलिए मैंने वो खड़ा मसाला को ही पीस के डाला था। और यहाँ पर मैंने डाला थोड़ा सा चिकन मसाला। और ये देखिए मेरे जो सब्जी हैं वो आलू कट करके जो मैंने रखे थे और मटर, तो थोड़ी देर मैंने मसाले को भून लिया था, और भूनने के बाद मैंने जैसा सब्जी कट करके रखे थे उनको इसमें मिला दिया। तो इस तरह से मेरे सब्जी बनके रेडी हो गए हैं। मैंने आपको बहुत ही शॉर्टकट में दिखाया। यदि आपको चाहिए कि मैं पूरा डिटेल्स में दिखाऊँ तो आप ज़रूर कॉमेंट कीजिएगा। ये सब्जी बहुत ही डिलीशियस बना था। ऊपर से मैंने मेथी, कसूरी मेथी और धनिया के पत्ते कट करके डाले थे। बिल्ली है कहाँ? हाँ मैंने देख लिया। आपको डर लगता है बिल्ली से? नहीं लगता? बिल्ली से डर नहीं लगता। आप तो बहुत स्ट्रांग हो, बहुत ब्रेव हो आप। बच्चे लोग डरते बिल्ली से। बच्चे लोग बिल्ली से डरते हैं? डॉगी से भी डरते हैं। और आप नहीं डरते? नहीं। आप तो बहुत ब्रेव चाइल्ड हो। वो अंकल ने आपको पोलियो पिलाया था ना, वही लिखा अंकल ने। मिट्टी है? आप मिट्टी में खेलोगे तो मिट्टी तो लगेगा ही ना। आप मिट्टी में खेलते हो शू पहन के तो मिट्टी तो लगेगा ना। गुड आफ्टरनून, अभी 12:20 हो रहे हैं और मम्मी गई हैं मंदिर, कीर्तन हो रहे हैं मंदिर में। तो अन्नू को लेकर मम्मी कीर्तन में गई हैं।
और मैं अभी घर पे अकेली हूँ। तो ये देखो, आप मैं आपको कुछ दिखाने जा रही हूँ। ये है ट्रैक सूट, पापा के लिए खरीद के आया है। तो अभी मम्मी जा रही हैं अरुणाचल, तो पापा के लिए हमने सोचा कि, पहले मैंने सोचा था कि एक लेदर का जैकेट खरीदूंगी, लेकिन बाद में डिसीजन चेंज किया और ये ट्रैक सूट मंगवाया। ये लोअर है, इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है और स्टैंडर्ड कलर है। और इसका ये अपर है, ये तो ये है ट्रैक सूट। इसका कॉस्ट इस पे लिखा नहीं है। हाँ, MRP इसका 1530 रुपीज़ का है। ये दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं दिखा देती हूँ। ये देखो, तो ये पापा के लिए आया, मुझे बहुत बढ़िया लगा। पापा को कुछ दिया ही नहीं अभी तक, तो सोचा कि चलो इस बार वो आए थे उनको नहीं दिया था, तो ये वाला हम उनको गिफ्ट कर देते हैं। और अपने लिए मैं पास के शॉप से एक खरीदी हूँ लेगिंग्स, लेगिंग्स या फिर आप कुछ भी कह सकते हो विंटर में पहनने के लिए। कुर्ती मैंने एक सिलने के लिए दिया हुआ है, स्टिच करने के लिए कुर्ती दिया है विंटर का, ये मोटे कपड़े का। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। अभी मैंने दिया है स्टिच करने के लिए, जब लेके आऊँगी तो उसके साथ सेट में पहनने के लिए मैं एक लेगिंग्स खरीदी, मैं दिखा रही हूँ आपको। ये है जो कि बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही गर्म रहेगा ये, और अंदर से ना इस तरह से ये वेलवेट के कपड़े दिए हुए हैं इसमें, ये देखो। तो ये बहुत बढ़िया है, ये काफ़ी गर्म रहेगा। और वैसे तो देखने में इसको, जब मैं परचेज करके लाई तो मेरे को सब बोल रहे थे कि ये तुम में आएगा नहीं, बहुत छोटा होगा छोटा होगा, बट मैंने जब इसको पहन के देखा तो काफ़ी कंफर्टेबल था और बहुत फिट आया, तो ये मेरा फेवरेट है। तो वो कुर्ती अभी स्टिच करके आया नहीं है, जब आएगा तब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखो, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा दिया हुआ है। तो अभी मुझे बनाना है लंच, तो चलती हूँ मैं किचन में लंच बनाने के लिए। और सब्जी तो मैंने मॉर्निंग में ही बना के रख दिया था, सब्जी को ये वैसे खाया नहीं है, मम्मी ने थोड़ा सा रोटी के साथ नाश्ता में खाया था, और पूरा सब्जी वैसे ही पड़ा हुआ है, तो सब्जी भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बनाऊँगी राइस और दाल, तो चलती हूँ किचन में अभी। मैंने दाल चढ़ा दिया और सब्जी तो बनाया हुआ है, मॉर्निंग में जो बनाई थी वही सब्जी है, बिल्कुल वैसे ही है, किसी ने खाया ही नहीं, थोड़ी सी मम्मी ने खाया था। और अगले सोच रही हूँ, और आज मैंने एक चोटी किया है, यहाँ पे मैंने आज चोटी किया है, देखो। बाल जो है, अगर किसी स्टाइल में कट करो तो नीचे के बाल बिल्कुल पतले हो जाते हैं, देखो मेरा हाल क्या हुआ है, ऊपर से मोटे होते हैं और नीचे से एकदम पतले हो जाते हैं। तो ये बाल मेरी चोटी ऐसी हो रही है आजकल, अब मुझे फिर से कट करवाना है, मुझे एकदम इक्वल साइज में कट करवाऊंगी, भी कोई भी स्टाइल नहीं दूंगी मैं, एकदम सिंपल जो कट होता है। पहले हम लोग सिंपल कट करते थे, कोई स्टाइल नहीं कट करते थे, तो बाल एकदम स्ट्रेट होते थे और ऊपर नीचे का जो ये जो थिकनेस है ना वो इक्वल होता था, लेकिन अब क्या हुआ है, स्टाइल की वजह से, डिफरेंट हेयर स्टाइल की वजह से बाल नीचे के पतले होते जाते हैं, ऊपर के मोटे हो रहे हैं। तो इस बार मैं सिंपल कट दूंगी, बिल्कुल नीचे से जो इक्वल कट होता है ना वही सिंपल कट में करने वाली हूँ, अपने हेयर स्टाइल यही दूंगी और उसको मैं लंबा करूँगी, इस पर यही सोच रखा है। अभी फिर से कटवाना है, देखो नीचे के किस तरह से हो गया है, बिल्कुल छोटे छोटे से पतले से। तो आज मैंने चोटी किया काफ़ी समय के बाद, कल हेयर वॉश किया था, तो आज मैंने सोचा कि चलो चोटी करती हूँ, कभी कभी हेयर स्टाइल भी चेंज करना चाहिए, है ना, राइट।
मैं सोच रही हूँ कि मैं बनाऊँ क्या ना क्या कहते हैं उसको, बूंदी के रायते, बूंदी का रायता मैं सोच रही हूँ बनाऊँ। अब देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है। अगर रायता नहीं बना तो बस कर्ड खा लेंगे, क्योंकि आज मैंने कर्ड बनाया था, काफ़ी अच्छा बना है। इतने समय के बाद कर्ड नहीं बना। और एक बात मैं बताऊँ, सर्दियों में अगर आसानी से कर्ड नहीं बनता है ना, उसका एक सिंपल टेक्निक क्या है, आप दूध में जो जमावन होता है वो आप डाल दो, और डालने के बाद गैस के बीच में, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे दिखा रही हूँ मैं, हाँ एक साइड यहाँ पे दाल चढ़ा है, कोई भी चीज़, अगर दोनों स्टोव अगर आपका ऑन है तब आप क्या करना, यहाँ पे इस बीच में जो जगह खाली है ना, यहाँ पे आप वो दूध रख देना, उसमें जमावन डाल के रख देना, दोनों साइड से हीट आता है और दही बहुत बढ़िया बन जाता है। मैंने भी ऐसे ही किया, काफ़ी समय से नहीं बन रहा था मेरा दही, में बहुत परेशान थी, लेकिन ये वाला फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया। मैंने क्या किया था, मिल्क को मैंने यहाँ पे रख दिया, दोनों गैस ऑन थे, दोनों साइड खाना बन रहे थे, और बीच में मिल्क रख दिया, तो यहाँ पे आसानी से मेरे दही बन गए, और बहुत ही गाढ़ वाला अच्छा दही बना है। आप भी ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, तो इससे आपका दही बहुत ही बढ़िया बनेगा। आज यहाँ बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा है, क्योंकि ये जो टाइम होता है बच्चे स्कूल चले जाते हैं, और जितने भी आस पड़ोस में जितनी भी लेडीज़ थी ये सारे टेंपल गई हैं कीर्तन के लिए, तो बिल्कुल सुना सुना खाली खाली सा लग रहा है। अभी ये जो मोहल्ला है बिल्कुल खाली सा लग रहा है, और मैं एंजॉय कर रही हूँ सनसाइन जो कभी, कल का वेदर बहुत ही बेकार था, पूरा होल डे फॉग रह गया था, लेकिन आज जो है थोड़ी सी वेदर क्लियर हुआ है, और देखिए सन सनलाइट दिख रहा होगा आपको, थोड़ी सी धूप खिली हुई है। पहले तो ये लग रहा था कि मकर संक्रांति के बाद वेदर अच्छा हो जाएगा, लेकिन अभी भी लग नहीं रहा है कि वेदर अच्छा होगा। मकर संक्रांति के बाद भी कभी धुंधला होता है, कभी बहुत क्लियर हो जाता है, इस तरह से चल रहा है। अब आई थिंक कि फैब में ही वेदर जाके बढ़िया होगा। तो गैस विशल दे दिया है, और आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। सो मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग में, टाटा एंड बाय बाय।